नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का स्टडी पॉइंट आजमगढ़ में स्वागत है। दोस्तों, कल हम लेंस से संबंधित दो नियम पढ़े थे कि जब वस्तु अनंत पे रखी हो, और दूसरी कंडीशन पढ़े थे कि जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच में रखी हो, तो उसके बारे में पढ़े हैं। और आज जो हमारा है तीसरा, चौथा और पांचवा नियम जो है, यानी तीसरा नियम कह रहा है कि जब वस्तु 2f1 पर रखी हो, यानी 2f1 दूरी पर रखी हो, तो ये हमारा लेंस है। लेंस के वक्रता केंद्र से यहाँ पे f1 की दूरी है और उतनी ही दूरी पर 2f1 है। 2f1 पे ही कोई वस्तु रखी गई है, वो है आपकी AB। तो जब ये वस्तु रखी गई है, तो इससे पहली किरणें जब मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है, तो वह मुड़ कर करके फोकस बिंदु से ही होकर के जाती है। दूसरी आपके वक्रता केंद्र से होके जा रही है, जो एक बिंदु पर मिल रही है, जिस पे वस्तु का एक प्रतिबिंब प्राप्त होता है जो उल्टा होता है, और वह प्रतिबिंब हमारे 2f2 बिंदु पे ही प्राप्त होता है। यानी जब वस्तु 2f1 पर रखी हो, तो इस पे बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है, वह लेंस के दूसरी ओर 2f2 बिंदु पर वास्तविक वस्तु के समान आकार का और उल्टा बनता है। तो हमें दो नियम ये हमेशा जानना होगा कि जब कोई वस्तु से किरणें चल मुख्य अक्ष के समानांतर चलती हैं, तो वह मुड़ करके फोकस बिंदु से होकर के जाती हैं, और दूसरी जब वक्रता केंद्र से होकर के जाती हैं, तो वह वक्रता केंद्र से ही लौटेंगी, हालांकि जा रही हैं, और दोनों जहाँ पर मिलती हैं वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इस तरीके से जब वस्तु 2f1 दूरी पर रखी होगी, तो उससे जो बनने वाला प्रतिबिंब है, वह लेंस के दूसरी ओर 2f2 बिंदु पर बनेगा, जो कि वास्तविक होगा, वस्तु के समान आकार का होगा, लेकिन उल्टा होगा। इसी प्रकार दूसरा कंडीशन है, जब वस्तु f1 और 2f1 के बीच रखी हो, यानी यहाँ पे 2f1 पर रखा था, और यहाँ पे f1 और 2f1, देखिए ए आपका f1 है, ए आपका 2f1 है, यहाँ पे कोई वस्तु है, लिखना नाम भूल गए, AB इसका नाम है, मतलब AB है, एक वस्तु है जहाँ पे पहली किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर चलती हैं, तो वह अपने फोकस बिंदु से होकर जा रही हैं, और दूसरा जो है वक्रता केंद्र से होकर के जा रही हैं। तो ये दोनों किरणें जो मिलती हैं f1 और 2f2 बिंदु के बाद मिलती हैं, f2 और 2f2 बिंदु के बाद मिलती हैं, यानी यहाँ पे जो रहेगा आपका f2 रहेगा। तो जब वस्तु f1 और 2f1 के बीच में रखी जाएगी, तो ऐसे में जो प्रतिबिंब बनेगा, वह लेंस के दूसरी ओर 2f2 व अनंत के बीच, यानी 2f2 कोई बिंदु है, इसके बाद कितनी दूरी हमें नहीं पता है, उसे अनंत कह देते हैं, तो 2f2 और 1 अनंत के बीच वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु से थोड़ा बड़ा बनेगा, यानी कुछ बड़ा जरूर होगा। तो जब याद कर लीजिएगा कि जब वस्तु को हम f1 और 2f1 के बीच में रखेंगे, तो इससे बनने वाला प्रतिबिंब जो होगा, वह आपका वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और 2f2 और अनंत के बीच में वस्तु से बड़ा बनता है। इसी प्रकार तीसरा पॉइंट है, जब वस्तु प्रथम फोकस f1 पर ही रख दी जाए, यानी वस्तु को अब हम प्रथम फोकस f1 पे ही रख रहे हैं, यहाँ पे, यानी ये भी कोई वस्तु है जिसे हम f1 पर ही रख रहे हैं। तो फिर नियम वही है कि मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी तो फोकस बिंदु मिलेंगी, और वक्रता केंद्र से होके जा रही हैं तो कहीं न कहीं ये मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे दिखाया नहीं गया है, यानी मिलेंगी हम आभास करेंगे उसका, यानी जब f1 पर वस्तु रखी जाएगी, तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो लेंस के दूसरी ओर अनंत दूरी पर, यानी कितना दूर पर दूरी पर जाके मिलेंगी ये वस्तु, दोनों किरणें वहीं पे जाके वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, यानी अनंत दूरी पर हम कल्पना करेंगे, लेकिन जो भी बनेगा वह वास्तविक बनेगा, वस्तु से अधिक बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा। तो इस तरीके से पांच पॉइंट है लेंस के से संबंधित जो है, जिसमें पहला पॉइंट जो था कि जब वस्तु को अनंत पे ही रख दें, दूसरा पॉइंट था कि जब वस्तु को 2f1 और अनंत के बीच में रख दें, यहाँ पे जो है तीसरा पॉइंट है, इसमें वस्तु को 2f1 पर ही रख दिया गया है, और जब वस्तु को 2f1 पे ही रख दिया जाता है, तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 2f2 बिंदु पे ही बनता है, जो कि वास्तविक है,
उल्टा है और वस्तु के समान आकार का है। जब वस्तु को और आगे की ओर खिसकाते हैं तो 2F1 और F1 के बीच में रख देते हैं, तो ऐसे पे वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह अनंत और 2F2 के बीच में बनता है, जो कि बड़ा होता है वस्तु से, उल्टा होता है और वास्तविक होता है। अब आप वस्तु को और आगे की ओर खिसकाएंगे, यानी कह रहा है कि अब वस्तु को F1 पर ही रख दें। ऐसी कंडीशन में जब F1 पे ही रख देंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो लेंस के दूसरी ओर बनेगा, लेकिन याद रहे कि वह वास्तविक बनेगा लेकिन वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा और अनंत दूरी पर बनेगा। तो ये थे हमारे 5 नियम। अब आगे जो पढ़ेंगे, एक और नियम है बचा हुआ कि जब वस्तु को F1 और वक्रता केंद्र के बीच में रख दें तब वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो अब तक जितने भी प्रतिबिंब बने हैं वास्तविक बने हैं, लेकिन इसके बाद जो पढ़ेंगे हम उसमें प्रतिबिंब आभासी बनेगा और लेंस और वस्तु के बीच में बनेगा। उसको हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।